जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं कि प्रदोष व्रत रखने का महत्व, पुण्य फल और सबसे पहले प्रदोष का व्रत किसने किया था। प्रदोष का व्रत हर माह की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। संध्या काल के समय को प्रदोष काल का समय कहा जाता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए इस व्रत को रखा जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं, उन्हें सभी दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान उनके सभी दुख और दरिद्रों को हर लेते हैं तथा आरोग्य को प्रदान करते हैं। भगवान भोलेनाथ एक ऐसे देव हैं जो कि थोड़े से जल से ही अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। प्रदोष का व्रत भगवान महादेव को समर्पित है। एकादशी की तरह ही इस व्रत को भी काफी श्रेष्ठ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को रखने से और इसकी विधि विधान से पूजा आराधना करने से, इस दिन भगवान महादेव की आराधना करने से वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की सभी मुश्किलों और बाधाओं को खत्म कर देते हैं। प्रदोष का व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। सप्ताह के दिन के अनुसार प्रदोष व्रत के अलग अलग नाम और महत्व बताए जाते हैं। सच्ची श्रद्धा के साथ प्रदोष का व्रत करने से भगवान अपने भक्तों के सभी दुखों को हर लेते हैं। तो आइए सुनते हैं, सबसे पहले प्रदोष का व्रत किसने किया। प्रदोष का व्रत, पौराणिक कथा के अनुसार प्रदोष का व्रत पहली बार चंद्रदेव ने क्षय रोग से मुक्ति के लिए रखा था। कहा जाता है कि चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 नक्षत्र कन्याओं के साथ हुआ था। इनकी 27 नक्षत्रों के योग से एक चंद्रमास पूरा होता है। चंद्रमा खुद बेहद रूपवान थे और उनकी सभी पत्नियों में रोहिणी अत्यंत खूबसूरत थी, इसलिए उन सभी पत्नियों में चंद्रमा का विशेष लगाव खासकर रोहिणी के साथ था। चंद्रमा रोहिणी से इतना प्रेम करते थे कि उनकी बाकी 26 पत्नियां उनके बर्ताव से बहुत दुखी हो गई थी और उन्होंने दक्ष प्रजापति से उनकी जाकर शिकायत की। फिर दक्ष प्रजापति ने बेटियों के दुख से दुखी होकर दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे डाला कि तुम क्षय रोग से ग्रसित हो जाओ। धीरे धीरे चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित होने लगे और उनकी कलाएं छिन्न होने लगी। इससे पृथ्वी पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ने लगा। जब चंद्रदेव अपने अंतिम सांसों के करीब पहुंचे, तभी नारद जी ने उन्हें महादेव की आराधना करने का उपाय बतलाया। फिर इसके बाद चंद्रदेव ने त्रयोदशी तिथि के दिन महादेव का व्रत रखकर प्रदोष काल में उनका पूजन किया। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का समय, यह प्रदोष काल का समय कहलाता है। इसी प्रदोष काल के दौरान चंद्रदेव ने इस व्रत को किया। व्रत व पूजन के प्रभाव से प्रसन्न होकर भगवान महादेव ने उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट मुक्त कर पुनर्जीवन उन्हें प्रदान किया और अपने मस्तक पर चंद्रदेव को धारण कर लिया। चंद्रमा को पुनर्जीवन मिलने के बाद लोग अपने कष्टों की मुक्ति के लिए हर माह की त्रयोदशी तिथि को भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस त्रयोदशी प्रदोष का व्रत करते हैं। इससे भगवान महादेव प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। इस व्रत में प्रदोष काल में भगवान महादेव का पूजन किया जाता है, इसलिए इसे प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।